तो आज की हमारी क्लासेस में हम एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं हम एक ऑटोमेशंस के बारे में कि किस तरह से हम ऑटोमेशंस करेंगे। तो ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी है, कुछ ऐसी ऑटोमेशन मैं करना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाए। तो ऑटोमेशंस में हम बात कर रहे हैं अटेंडेंस की। तो जब हम फॉर्मेटिंग क्लास पढ़ रहे थे होम एनवायरनमेंट, हमने फॉर्मेटिंग्स की कुछ ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग के कुछ एक प्रोजेक्ट बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी, चलिए उसी को हम कंप्लीट आज करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक ऑटोमेटिक फॉर्मेट तैयार करूंगा, देन हम तैयार करेंगे ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मंथ देता हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉई कोड नेम, डिपार्टमेंट देना है तो डिपार्टमेंट दे दीजिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और फिर यहाँ पे मैं इसमें जुलाई का बनाना है तो हम यहाँ पे जुलाई का डेट दिए और इसमें प्लस वन करके हम आगे तक ड्रैग कर देते हैं। 31 जुलाई आ गया। देखिए तो जुलाई है इसलिए 31 आया ना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जुलाई ना हो, जून हो तो 30 होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जून का डेट डालता हूँ, तो जून का डेट डालते अब देखेंगे कि एक जुलाई आ गया। फरवरी का डेट अगर मैं डालूंगा यहाँ पे मान लीजिए फरवरी, तो आप यहाँ देखेंगे कि फिर ये 3 मार्च आ गया। तो सबसे पहले तो इसको ऑटोमेट करना है ताकि जो हम डालें वही आना चाहिए। तो हमें पता है कि 28 तक तो डेट होता ही होता है, 29, 30, 31 को हमें फॉलो करना है। तो यहां पे सिंपल हम इफ का फॉर्मूला देंगे कि इफ, और देंगे कि ये जो प्लस वन किया है क्या वो ग्रेटर देन है कि वो मंथ, और इसको सिलेक्ट करके कॉमा हमने जीरो दे दिया। अगर ऐसा है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज जो प्लस कर रहे थे उस प्लस को कंटिन्यू, और इसमें एरर के चांसेस हैं तो हम क्या करेंगे यहां पे इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई ब्रैकेट ए कर दे, एरर आने पे ए कर दे, ब्लैंक में कन्वर्ट कर दे। तो यहां पे हमने मान लीजिए कि अगर जून का डेट डाला तो देख सकते हैं कि यहां पे फॉर्मूला लगा है लेकिन ब्लैंक कर दिया। अगर ऐसे मैं फरवरी का डेट डालता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 28 के बाद ये हमारा ब्लैंक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको कि डाउट है इसमें? जी सर, समझ में आ गया। आप मुझे संडे मंडे भी चाहिए तो टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद से हमने इसको सिलेक्ट किया और डी 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 लगाया और यहाँ पे सैटरडे संडे हमारा आ गया। देखिए थोड़ा बड़ा है ना ये, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ 2-3 कॉलम को लेके मर्ज करके इक्वल हम इस डेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें हम क्या करेंगे कस्टम में यहाँ हम आते हैं MMM/YY और फिर बाकी सबको सेलेक्ट करके कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं DDDD। फिर पूरी सीट को सेलेक्ट करके मैं डबल क्लिक करता हूं तो क्या हो जा रहा है, ऑटो फिट हो जा रहा है, ऑटो फिट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसकी एक बॉर्डर ले लेते हैं अपने हिसाब से, तो ये नंबर एक क्योंकि एम्प्लॉई को रोला दे देता हूं। अब पूरे डेटा को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे फिल करेंगे, पूरे को नहीं करेंगे हम 28 तक को करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, पूछिए। ये डेट ऑफ जॉइनिंग में आपने जैसे जैन लिखा है और मतलब और ऊपर में जो ये मंथ जुलाई वाला है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होएगा? डेट ऑफ जॉइनिंग किस बंदे ने कब ज्वाइन किया है, और ये तो अटेंडेंस है ना। अच्छा अटेंडेंस शीट हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू रूल्स पे। यहाँ पे हम यूज फॉर्मूला और इस फॉर्मूला, यहाँ पे यूज फॉर्मूला और यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो डेट है वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक होना चाहिए, और इसमें से ए जी के आगे का डॉलर साइन हटा दिया, फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाने के बाद मैंने इसको बॉर्डर लगा दिया कि बॉर्डर। इससे क्या होगा कि जितना दिन का आपका डेट होगा ना उतना ही दिन आपका बॉर्डर आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे अगर जून का डेट डालता हूं तो देख सकते हट गया, बट ये फॉर्मेटिंग एक जगह गई यहां पे, और इसके कारण रीजन ये है कि हमने जो फॉर्मेट प्रिंटर कर दिया है ना इस कारण से, तो यह फॉर्मेट प्रिंटर नहीं करना चाहिए था, हमें यहाँ पे करना चाहिए था डी डी। अब यहाँ पे अगर मैं एक जून देता हूँ तो देखिए हट गई फॉर्मेटिंग सर। जी सर हट गई। सर एक एक बार वापिस बताइए ना क्या फॉर्मेटिंग वाली। हाँ हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे कर्सर रखा और कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला पे गया और सीधे बोला कि ये जो हमारा डेट है ना डेट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर ब्लैंक और नहीं है तो इसमें आपका बॉर्डर अप्लाई कर दे, ब्लैंक अगर है तो कुछ अप्लाई नहीं करे, समझे। ब्लैंक क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं ना कि यो मंथ अगर 31 से बड़ा होगा तो ब्लैंक कर देगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं सर। मतलब जैसे कि ब्लैंक है तो कुछ अप्लाई ना करे और ब्लैंक नहीं है तो ब्लैंक, अगर ब्लैंक है तो बॉर्डर अप्लाई ना करे, ठीक है। अब इसमें आगा आता है कि मैं चाहता हूँ कि सैटरडे संडे होने पे कलर रेड हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला इक्वल और देंगे और में हम सेलेक्ट करेंगे अपना ए वाला कि अगर ए इक्वल टू सैटरडे है, ठीक है, कॉमा अगर ए यहाँ पे अगर ए इक्वल टू संडे, लेकिन हमें ई के आगे का जो डॉलर साइन है वो यहाँ से रिमूव करना है। फॉर्मेट प्रिंटर पे आते हैं और हम चले जाते हैं कलर पे, फिल कलर और यहाँ से ओके एंड ओके, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हम इसको पेंट कर देते हैं। बट पेंट करते हैं सिर्फ सैटरडे हो रहा है, संडे नहीं हो रहा है, तो एक बार हम देखते हैं कि हमें क्या गलती है। सैटरडे लगा है सर, अच्छा हमने E6 कर दिया है, माफ कीजिएगा E बढ़ा दिया, तो मैं बोलता है E5 होना चाहिए, E5 होना चाहिए ना, हाँ E5। हाँ अब यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर से मैं प्रिंट कर, ठीक है, अब मान लीजिए जून का डेट डालता हूँ मैं, अरे बॉर्डर देख रहे हैं आपका बॉर्डर हटा हुआ है, तो हमने वो जो फॉर्मेट पेंटिंग की थी ना इस कारण से, तो इसमें नो बॉर्डर कर दीजिए आप, ये प्रॉब्लम होगी बार बार से सही करना पड़ेगा, इसलिए ये बाद में लगाते हैं। अब मेरे पास एक होली डे लिस्ट है, ठीक है ना, कि किस किस दिन को छुट्टी हुई है, 1 जनवरी को, 14 जनवरी को, 26 जनवरी को, 2 फरवरी को, 17 मार्च को, 14 अप्रैल को, 30 जून को, नहीं 3 जून कर देता हूँ, जुलाई कर देता हूँ, ठीक है।
तो अब या मैं चाहता हूँ जैसे तीन यहाँ पे दिख रहा है आपको, जुलाई 3 जुलाई और 6 जुलाई है ना, तो 3 जुलाई और 6 जुलाई को क्या होना चाहिए, इसका कलर ग्रे हो जाना चाहिए। तो कैसे करें, तो हमारे पास एक काउंट इफ्स का फॉर्मूला है, काउंट इफ्स, और हम जाते हैं सेलेक्ट करते हैं होलीडे लिस्ट, और यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, कि वापस एज को सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 क्यों लगाया, क्योंकि ए जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक है ना, ये आपका जो ब्लैंक है दिख रहा है आपको सर, जो ब्लैंक होता है यहाँ पे, तो उसको भी काउंट ब्लैंक टू ब्लैंक को काउंट कर लेता है। जैसे कि अगर आपका ब्लैंक है, आप यार काउंट इफ का फॉर्मूला लगाइएगा और इसको बोलिएगा कि भाई इसमें ब्लैंक को काउंट करो, तो देखिए 10 लाख आ गया, क्योंकि जो ब्लैंक सेल्स है उसको काउंट कर लेता है। इसलिए मैंने काउंट इफ फॉर्मूले में बना बताया कि भाई एक कॉलम में E16 जो हमारा है, E6 को काउंट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि ग्रेटर देन 0 पे। तो जैसे सैटरडे हुआ ना, सैटरडे पे अब मैं इसको आगे फिक्स करना है, तो मैं इसको कर देता हूँ और E6 का 6 फिक्स कर देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा कि जो सैटरडे संडे है वहाँ पे काउंट, जो छुट्टी जहाँ होलीडे है वहाँ 1 आ गया, ठीक है ना सर, 1 आ गया ना। अब इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला और यहाँ पे इक्वल। अब कहते हैं कि इसका रिजल्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, एक अलग फॉर्मेट हमें सिलेक्ट कर लिया, वो अप्लाई कर, और फिर यहाँ फॉर्मेट पेंटर से आप पूरे को पेंट कर देंगे। हो गया सर, अब यहाँ भी आ गया ना, तो इसको जो है 29, 30, 31 को मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हर बार आएगी सर। ठीक है, तो छुट्टी आ गई यहाँ पे, तो हर महीने का जो होलीडे होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। क्या सर, कि मैं यहाँ पे 6, यहाँ पे मान लीजिए 1 6 किया, तो 3 जून, 3 और 9 जून है, देखते एक बार, हाँ 6 नहीं 6, 3 जून और 9 जून है, 3 जून है का ऊपर, देखिए ऊपर 3 जून है ना। ठीक है सर, क्लियर है सर, तो लेकिन 9 जुलाई है ना, 9 जून तो नहीं है शायद, जून है उधर, और आपको जो एच और जो शीट है, अच्छा 9 जून है, जी 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 ठीक ठीक है। अब मैं इसको वापस जुलाई कर देता हूँ, ठीक है, ये तो आज स्लो क्यों हो गया, मुझे लगा था स्लो हो गया है। ये काउंट इफ्स लगने से लगा स्लो हो गया है। काउंट इफ्स स्लो नहीं होता, तो ये फॉर्मेटिंग बन गया। इसमें आप चाहो तो ये कर सकते हो कि यहाँ पे कि इक्वल टू, अगर इक्वल टू एल होता है, अगर एल आए तो कोई और कलर कर दे, ठीक है। तो फाइन सर, मेरे पास की आवाज आ रही है, स्क्रीन तो बाद में दिखाई देती है सर, आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम है, मेरे तरफ से प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है सर। मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूले को रिमूव करना होगा, इस काउंटिंग का फॉर्मूला सिस्टम को स्लो कर रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये जो स्पेस है इसको इक्वल करेंगे, स्पेस करेंगे, और फिर आगे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में जो हमने नॉट इक्वल टू ए किया हुआ है ना ब्लैंक, उसको स्पेस करना होगा। फिर इसमें हमने जो देना है ना काउंट इफ का फॉर्मूला देना है, काउंट इफ जो है दिक्कत कर रहा है। इसमें हमें ए बाई ए करना है, इसको फ्रीज कर देते हैं, ई सिक्स का ई फ्रीज होगा। और इसको अब हम जाते हैं यहाँ रखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला यहाँ बेस करते हैं और बोलते हैं अगर इक्वल टू वन हो तो कलर दिया। फिर फॉर्मेट एंटर लेते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं। एंड कर दिया, अब हैंग नहीं हुआ ना, बट हैंग नहीं हुआ लेकिन हाईलाइट भी तो नहीं किया। काउंट इफ एच ए बाई ए कॉलन कॉमा ई सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सर एक काउंट इफ से क्या इफ से इफ सिर्फ इफ लगा नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, जुलाई है इसको ए बाई ए। एक साथ ओ सॉरी हमने उल्टा कर दिया सर, हमें ई को नहीं सिक्स को फ्रीज करना चाहिए था। आ गया सर, अब आ भी गया और साथ में फास्ट भी चल रहा है, तो हमें फॉर्मूला लगाते समय ये भी देखना होता है कोई फास्ट तो नहीं चल रहा है, स्लो तो नहीं चल रहा है। अब बात आती है इसमें कि हम कैसे इसके अंदर भरे लीव्स, तो मैंने यहाँ पे हमने बोल दिया कि अटेंडेंस, तो अटेंडेंस में लीव का रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, ठीक है, कि किस किस दिनों लीव लिया है। तो यहाँ पे हमने यू आई डी एक यूनिक आई डी बनाना है और यहाँ पे एम्प्लॉय आई डी की कोड और यहाँ पे हमारा डेट और किस डेट को और अटेंडेंस क्या है, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय नोड नंबर वन, अब ये वन नंबर वन देते हैं, इसका जो नेम है वो डेटा हमारा इस सीट से आ जाना चाहिए, तो कॉमा टू कॉमा जीरो नेम रहेगा तो ठीक रहेगा। और इसको हम इफ एरर लगा के नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि नेम से क्या होगा कन्फर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भाई हम सही बंदे का अटेंडेंस कोड डाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसने 1 जुलाई को छुट्टी ली थी, 1 जुलाई को छुट्टी पे था, तो ये 1/1 7 और छुट्टी पे था, तो हम यहाँ पे दे दिया लीव। तो अभी क्या होना चाहिए कि डिस्ट में कि ये ऑटोमेटिकली 1 तारीख को लीव शो कर दे और बाकी सारे जगहों पे प्रेजेंट शो कर, ठीक है सर। मतलब कि हम सिर्फ अपने लीव वाले शीट में किस किस दिन छुट्टी था उसी का डेटा ऐड करेंगे और सिस्टम क्या करेगा कि चेक करेगा कि पूजा मेरे एम्प्लॉय नंबर वन इस तारीख में अगर लीव में एक्टिव है तो उसका जो रिजल्ट जो अटेंडेंस है वो शो कर दे, नहीं तो क्या कर दे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट कर दे, ठीक है सर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लीव वाले पे जाएंगे, यूनिक आईडी बनाएंगे जो कि एम्प्लॉय कोड और यहाँ पे डेट को हमने डाल दिया और इसको नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ बी लुकअप लगाते समय हमने इसको और
डेट को यहाँ पे कर देते हैं कॉमा, हम आते हैं लीव पे, 2, 3, 4, 5 आपने 5, 0 कर दिया और फिर यहाँ इफ एरर लगाए और हमने बोला कि जहाँ पे वी लुकअप हमारा एरर देगा वहाँ पे कर दो पी लेकिन प्रेजेंट, और फिर हमें इसको आगे बढ़ाना है तो हमें ए को फ्रीज करना होगा और इसमें हमें 6 को फ्रीज करना होगा और हमें एफ ए एंड 6 को फ्रीज करना है और फिर इसको नीचे आगे की तरफ पूरा में हमें ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे दिक्कत और भी आ रहा है कि जो सैटरडे संडे है उसमें बीपी आ गया, उसमें तो वीक ऑफ आना चाहिए ना, तो कुछ नहीं इसके आगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन ऐड करते जाएंगे कि इफ और अगर ए सैटरडे या ऊपर वाला इक्वल टू संडे है तो यहाँ पे वीक ऑफ शो करे, नहीं तो जो शो कर रहा है उसको शो करना है और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। नीचे ड्रैग किया तो क्यों नहीं हुआ, सॉरी हाँ हमने यहाँ पे 5 को फ्रीज नहीं किया, हमें 5 को फ्रीज करना होगा। ठीक है, छह तारीख को भी पीपी आ गए जी, 6 तारीख को पीपी आ गए। हाँ तो भी अभी हमने ये थोड़ी दिया है कि भाई ये हो तो मैंने कि क्या बोलते हैं उसको, अच्छा सैटरडे संडे सिर्फ दिया है हमने, अभी कंडीशन दिया ही ना, जब कंडीशन दूंगा तभी बदल बदलेगा ना क्या, अब उसको सपना थोड़ी आएगा। इसमें क्या हॉलीडे कैसे समझाएंगे इसको, जैसे हमने सैटरडे संडे तो संडे को समझा दिया बट हॉलीडे कैसे समझाएंगे अब, हमने कंडीशनल बॉडी को कैसे समझाया, हॉलीडे वो ग्रीन हाइलाइटेड से है ना, नहीं नहीं हमने सैटरडे संडे में भी, अरे हॉलीडे में भी पी आ गया ना तो हमें वो भी अप्लाई करना पड़ेगा पूरा, ऑफिस इफ का ये लगाना पड़ेगा, लगा रहे हैं तो आप ध्यान थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकता है इसमें, काउंट भी ऊपर लगाया था हमने ना, ब्रो हाँ सर काउंट भी ऊपर लगाया था हमने, यहाँ काउंट भी लगाया था ना, तो यहाँ भी हमें सेम करना पड़ेगा जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ काउंट इफ लगा रखा है ना सर, दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे पहले हमें सीन ऐसे करना होगा कि इफ काउंट इफ लगाया अगर उसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उस दिन हॉलीडे होगा, तो इक्वल लगा होगा और फिर इसको हम आगे की तरफ जाए करें, हो गए सर। यस सर। हेलो यस सर, हो गया, हो गया ना, इस तरह से आगे और भी चीजें कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ सर, पूरे मंथ तक का में जितना भी हॉलीडे है एक साल का तो वो हमें पता चल जा रहा है, प्लस हमें
अटेंडेंस रिपोर्ट मिल जा रही है कि कौन सा बंदा किस किस दिन अभी क्या है कि अभी दो चीज़ें यहाँ पे देखिए, तो इसमें दो फायदा है। पहला फायदा कि अभी जो आप अटेंडेंस अगर मान लीजिए मैनुअली ऐसे बनाते हैं तो आपको हर महीने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, बट यहाँ यू हैव चेंज द मंथ, योर रिपोर्ट विल बी, यहाँ पे आपका जो है डेटा विल बी अपीयर, क्योंकि आप यहाँ पे पूरे साल का अटेंडेंस रख सकते हैं। क्या सर? यह अटेंडेंस आपका रेडी हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ अब आपकी डेटा एंट्री, अगर आप मैनुअली एंट्री करेंगे तो हर के लिए आपको 31 एंट्री करना होगा। और मान लीजिए किसी दिन ऑफिस से बंदा छुट्टी ही नहीं, किसी बंदे ने छुट्टी नहीं मिला, सारा बंदा प्रेजेंट है, तो आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है संजय जी? जी सर। कोई जरूरत है? मान लीजिए पूरा महीना का सारा बंदा आ रहा है, आपको ऑफिस आ रहा है, तो आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत है? सर इसमें तो एक ही बार में डेट में सारे में हो जाएगा, डेट वहां पे खाली मंथ अलग अलग डालना है और फिर सारा नहीं, यहाँ तो सिर्फ हमें ये डालना है जिसने छुट्टी की है। जी डेली अटेंडेंस नहीं की है इसमें नहीं डालेंगे, तो इसमें नहीं डालेंगे तो यहाँ शो ही नहीं होगा, यहाँ पे नहीं शो होगा, तो हमें वहाँ पे अलग से ये करना पड़ेगा। नहीं 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 समझे कि अगर किसी मान लीजिए कि आप अप्रैल का डाल रहे हैं, अप्रैल में मैं पूरा हर कोई प्रेजेंट था, अप्रैल में हर कोई क्या था? प्रेजेंट प्रेजेंट में। जी यहाँ देखिए पूरा रिपोर्ट बन गया ना आपको सर। जी अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। यहाँ पे पी आ गया, दिख रहा है आपको सर? सॉरी नो बॉर्डर्स तो इसको क्या था, इसको तो बॉर्डर कटना ही था, 28 तक रखा ना था। अभी आ गया ना आपको 31 का आ गया, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए यहाँ लगाना होगा कि एफ ऊपर वाली वैल्यू उसके ये है डेट अगर इक्वल टू स्पेस है, क्योंकि मैं स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी ब्लैंक आ जाए और फिर इसको आगे की तरफ पूरा लेके ड्रैग कर। सर तो E6 स्पेस कैसे हो जाएगा? E6 में तो हमारे पास पहला डेट ही लगेगा ना, जिससे कि सारा ऑटोमेटेड हो जाएगा। अगर डेट नहीं है तो स्पेस ही है ना, स्पेस लगाया होगा ना, यहाँ पे डेट नहीं है लेकिन फार्मूला तो लगा के स्पेस दे रहा है, पर काउंटिंग के चक्कर में हमने स्पेस कर दिया था, ब्लैंक कटा दिया था। जी ठीक है जी, तो यहाँ पे अप्रैल का डेट नहीं डाला हुआ है लेकिन फिर भी अटेंडेंस प्रेजेंट हो रहा है। जी ठीक है सर, ठीक है। तो ऑटोमेशन ने क्या किया, इसको ऑटोमेट कर दिया, तो हमें जस्ट लीव की एंट्री करनी पड़ रही है। अब इसमें एक दिक्कत भी है कि फ्यूचर अटेंडेंस भी ले रहा है। अब मैं सब देता हूँ तो आज अगर तारीख मान लीजिए कितना है, आज तारीख 19 है, तो इसने फ्यूचर अटेंडेंस भी काउंट कर लिया ना। तो यहाँ पे एक और कंडीशन आप बनाइएगा कि इफ अगर ए लेस देन है टुडे, आज के फॉर्मूला से, तो यहाँ पे ब्रांड अगर भाई चल रहा है उसको चलने, सॉरी लेस देन नहीं ग्रेटर देन करना होगा, हम उपलब्ध कर दिया हमने, ठीक है। और E6 के 6 को फ्रीज कीजिए और पूरे में इसको ट्रैक कीजिए। गायब हो गया अटेंडेंस, इसी तरह से प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि यहाँ पे कि भाई डेट जो है अगर पुराना डेट का हुआ तो अटेंडेंस ब्लैंक होना चाहिए। माना किसी ने इसका 2015 का देख लिया, 2015 में कंपनी ओपन ही है, कंपनी 2020 में ओपन ही हुई है, तो इस तरह की वैल्यूएशन आप लगा सकते हैं। ठीक
ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। अब इसमें आप लोगों को करना है कुछ काम। क्या काम करना है पूछेंगे? नहीं जी बताइए सर। पूछ लीजिए पूछ लीजिए। अलग अलग तरीका कुछ अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। अब आप बच्चे नहीं रहे, चाहे वो बच्चों वाला काम नहीं, जैसे नहीं बच्चे वाला काम नहीं है सर, इतना कंडीशन है। अब आप बड़े हो गए ठीक है ना, आप जो है आप बड़े हो गए हैं तो बड़ों वाला काम करेंगे। मुझे यहाँ पे अटेंडेंस का पूरा समरी चाहिए कि टोटल टोटल प्रेजेंट कितना है, टोटल लीव कितना है, वीक ऑफ कितना है, पेबल कितना हुआ, समझ में आया? नहीं सर, ये मेरा नेट चला गया था, आप जरा फिर से बताएंगे। मैं बोला कि आपको काउंट करना है कि जैसे अगर डेट खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे 31 खत्म हुआ तो यहाँ पे बता दे कि टोटल प्रेजेंट कितना है, टोटल लीव्स कितने हैं, पेबल लीव्स कितने हैं, पे LWP लीव विदाउट पे कितना है, वीक ऑफ कितना है, हॉलीडे कितना है और टोटल पेबल पेबल डेज कितने हैं, पैसा कितने में मिलने वाला है, और ये कैलकुलेशन करना है इस हिसाब से ताकि अगर 28वां महीना है तो कैलकुलेशन 29 से शुरू हो जानी चाहिए, 29वां महीना है तो 29 से शुरू होना 30 से शुरू होना चाहिए, 30वां महीना है तो 31 से शुरू होना चाहिए और 31वां महीना है तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। समझ गया कि नहीं? हाँ सर। तो अभी फाइल आपको भेज देता हूँ, आप लोग शुरू कर देगा।